हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। राइट फोर मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। अब यहाँ कुछ पैटर्न दिया हुआ है, हमें इसमें फोर आगे के रैशनल नंबर्स और बताने हैं। तो हमें पहले पैटर्न देखना है कि क्या कॉमन है, क्या पता चल रहा है हमें कि एक नंबर से दूसरा नंबर कैसे आया है। तो देखिए, यहाँ पे हमें पता चल रहा है थ्री से डबल है सिक्स, फाइव से डबल है 10। तो मतलब माइनस का 3/5 को बोथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा सेकेंड नंबर, आ गया ना सेकेंड नंबर। अब ये वाला नंबर कैसे आ रहा है, माइनस का 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3। दोनों को ही अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा थर्ड नंबर, माइनस का 9/15 आ रहा है। फोर्थ नंबर इसका 4 टाइम्स है, माइनस का 3/5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो हमारा फोर्थ नंबर मिल जाता है हमें। ठीक है, फर्स्ट नंबर का डबल ये है 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स करने पर ये मिल रहा है। मतलब फर्स्ट नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से करा, फिर 4 से करा, ये पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4 की जगह हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5। भाई यही तो पैटर्न चल रहा है, यहाँ 2 से करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 के बाद क्या आया 5। तो नेक्स्ट नंबर हो गया हमारा माइनस का 15/25। अब हमें 4 नंबर चाहिए, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया माइनस का 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 3 18, 6 5 30, फिर माइनस का 3/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो माइनस का 25/35। फिर नेक्स्ट नंबर माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, माइनस का 24/40, ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया। तो ये हमारे नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स हो गए इस सीरीज में। अब नेक्स्ट है माइनस का 1/4, माइनस का 2/8, माइनस का 3/12। अब यहाँ हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो देख रहे हैं 1 और 2 में कोई रिलेशन है, डबल है, 4 और 8 में ये भी डबल है। तो मतलब माइनस का 1/4 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका इक्विवेलेंट ही रहा ना फ्रैक्शन, तो ये रैशनल नंबर, माइनस का 2/8 आ गया, नेक्स्ट नंबर आ गया। अब तीसरे में क्या हो रहा है, 3 से 3 टाइम्स लग रहा है ना, 4 3 12, 1 3 3, तो माइनस का 1/4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो हमारा थर्ड नंबर आ गया। अब आगे के 4 नंबर चाहिए तो उसके लिए सेम 3 से कराए तो नेक्स्ट क्या होगा 4 से करना होगा, माइनस का 4/16। नेक्स्ट नंबर माइनस का 1/4 को किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो माइनस का 5/20। अब नेक्स्ट 5 के बाद किससे करेंगे मल्टीप्लाई 6 से, तो माइनस का 6/24। फिर 6 के बाद किससे करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 7/28। तो सीरीज के नेक्स्ट 4 नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो हमें पैटर्न को बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि एक नंबर से दूसरा नंबर में कितना डिफरेंस है, क्या मल्टीप्लाई होके आ रहा है या डिवाइड होके आ रहा है, बस वो पैटर्न हमें एक बार समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, माइनस का 1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। तो देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों में देखिए कंपैरिजन करें तो इसका डबल हो रहा है, लेकिन साइन भी चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया। तो ये कैसे ड्राइव हुआ होगा ये नंबर, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, माइनस के 2 से, 2 से करा तो 1 की जगह 2 हो गया, लेकिन साइन भी हमें चेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2/-12। अब नेक्स्ट के लिए हमने क्या किया है,
3 अपॉन माइनस 18 आ रहा है, तो मतलब 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है और साइन भी चेंज हो रहा है तो माइनस के 3 से, तो ऊपर हो गया 3 अपॉन माइनस 18, ठीक है। नेक्स्ट है 4 बाय माइनस 24, मतलब इसका 4 टाइम्स है बट साइन भी चेंज हो रहा है, तो माइनस का 1/6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1 4 अपॉन 6 4 24, तो ये हमारा फोर्थ नंबर मिल गया। तो क्या पैटर्न फॉलो हुआ, पहले हमने माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के 3, फिर माइनस का 4, तो अब नेक्स्ट किससे करेंगे, माइनस 5 से, तो माइनस 1/6 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 5 अपॉन माइनस का 30। 1/6 को किससे करा, नेक्स्ट नंबर के लिए माइनस के 6 से, यही तो सीरीज चल रही है, फिर हो गया ये 6 अपॉन माइनस का 36। नेक्स्ट माइनस का 1/6 को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 माइनस के 7 से, क्योंकि अभी माइनस 6 से करा था, तो नेक्स्ट माइनस 7, तो 7 अपॉन माइनस का 42। अब 4 नंबर्स चाहिए, तो नेक्स्ट माइनस 1/6 को किससे किया मल्टीप्लाई, माइनस 8 से, तो 8 अपॉन माइनस का 48। तो इस सीरीज के नेक्स्ट 4 नंबर ये हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसके लास्ट पार्ट पे क्वेश्चन के, यहाँ है माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 है। अब सेकंड नंबर है 2/-3, 2/-3, दोनों में क्या डिफरेंस है, नंबर तो सेम है बट साइन का चेंज है, तो साइन चेंज करने के लिए क्या किया हमने, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया 2, और 3 माइनस 1 माइनस 3, तो यहां हमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर के लिए देखिए आप कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए यहाँ 4/-6। अब माइनस 2 से 4 बनाने के लिए क्या है, 2 को 4 बनाने के लिए पता चल रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन चेंज हो रहा है, तो माइनस 2, ऐसे ही यहाँ पे दोनों को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4/-6। अब देखिए नेक्स्ट इस सीरीज में आता है 2 के बाद -3, तो क्या आया ये 2 3 6, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया -9। देखिए यही हमारा सीरीज का फोर्थ नंबर है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ -1 -2 -3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर के लिए किससे करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, 8/12। नेक्स्ट -2/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट 5 से, 5 माइनस का 5, तो 10/5 3 15 माइनस का, क्योंकि 5 माइनस का है। नेक्स्ट -2/3 को किससे करेंगे, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 12 अपॉन माइनस का 18, कितने नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स आ गए, अब हमें 4 चाहिए, तो माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का 7, 2 7 14 और नीचे 7 3 21 माइनस का, तो ये 4 नंबर्स इस पैटर्न के हिसाब से इस सीरीज में आगे के 4 नंबर्स ये होंगे।